फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराए हैं मैंने किस्मत की लकीरों से। एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तलक मौजों मेरे ख्यालों में थे, रुआ रू उनका आना गजब हो गया। यह है बिहार की बेटी कुमकुम। जमुई की रहने वाली 11 साल की कुमकुम एक ट्रक ड्राइवर की बेटी है। वैसे तो कुमकुम पिछले कई सालों से गीत गुनगुनाते आ रही हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर तब वायरल हो गई जब 15 अगस्त को स्कूल में देशभक्ति गीत गाते उसका एक शिक्षक ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। ओ यार मेरे चौपालों में वो धूम धड़क के होने दे, तू गलियों में जगराते कड़ में सोया हूँ मुझे सोने दे। ओ देश मेरे तू जीता रे, तूने शेर के बच्चे पाल है, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 16 तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। कुमकुम का कहना है कि वो गायिका नेहा कक्कड़ को अपना आदर्श मानती है और उनके गाए हुए गीतों को यूट्यूब पर देखकर गाने का रियाज करती है। हमारे संवाददाता ने कुमकुम से बात की, सुनिए नन्ही कुमकुम ने क्या कहा। आजकल बहुत वायरल हैं आप, भक्ति गाने की बहुत चर्चा हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमको लग रहा है कि जैसे सभी बहुत चर्चा कर रहे, तो मेरा और प्रतिभा बढ़ रही है कि अब तो हम बन जाएंगे ऐसी, इसीलिए हम और प्रैक्टिस में लगे हैं। अब क्या लगता है क्या बन जाओगी, सिंगर बन जाओगी? हाँ सर। सिंगर बनने का ख्वाब मन में कैसे आया? मन में कैसे आया जैसे कि वो और सिंगर्स जो है वो गाती है और फिल्म बनाती है, उस तरह हमको अच्छा लगता है कि इस तरह हम भी बनाएंगे। उसी समय से हम भी ठान लिए कि हम भी एक सिंगर बनेंगे। आप एक स्कूल में पढ़ती हो, सातवीं कक्षा की शायद छात्रा हो? हाँ सर। हाँ सर, सातवीं में पढ़ती हो। पढ़ाई से ज़्यादा गाने का शौक कैसे मन में आया? पढ़ाई से ज़्यादा पढ़ाई भी करते हैं और थोड़ा वक्त मिलता है तो गाना भी सीख लेते हैं। कब से ये गाना गुनगुनाने का मन तुम्हारे दिमाग में है और कब से ये गाना गा रही हो तुम? इसकी 6 महीने हुए हैं और 6 महीने ज़्यादा भी हो रहा है तभी से हम गाना गा रहे हैं। अच्छा, गायक सिंगर तो बहुत हैं दुनिया में, कौन सा सिंगर ऐसा है जो तुमको बहुत अच्छा लगता है, जिससे तुमको प्रेरणा मिलती हो? नेहा कक्कर। नेहा कक्कर? हाँ सर। कैसे, क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा गाती है और उसका गाना जो है हमको बहुत अच्छा लगता है। लता मंगेशकर भी हैं, वो बहुत बड़ी गायिका थी। लता दीदी अच्छी नहीं लगती? अच्छा गाती है पर हमको सबसे अच्छा नेहा कक्कर है। तो नेहा कक्कर का एक गीत गा के सुनाओ, कौन सा गाना है नेहा कक्कर का जो तुमको सबसे अच्छा लगता है? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, गा के सुनो तो। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया मैंने किस्मत के लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांस मिली है, सदा रहना दिल में करीबों से। मिले हो
नेहा कक्कर को आप कब से जानती हो, उनके गाना को कैसे फॉलो करती हो, कहाँ से सीखती हो ये गाना? जब से ये गोवा वाली बीच वाला गाना वायरल हुआ था उससे हम उसका पीछा करते रहे। कौन सा गाना? गोवा वाली बीच पे। गोवा वाली बीच पे वो गाना जानती हो? नहीं सर, सुने थे पर उसका आवाज़ और उसका नाम था इसीलिए। इतना अच्छा गाती है तो और इसका गाना कितना अच्छा हो, इसी उसी दिन से हम उसका गाना का पीछा करने लगे। कहाँ पीछा करती है? मोबाइल पे यूट्यूब पे देख के। यूट्यूब पर देख के गाती हो? दिन भर में कितना प्रैक्टिस करती हो तुम गाने का? जब मोबाइल रहता था उसमें से थोड़ा बहुत 2-3 लाइन याद हो जाता है, उसी को गाते रहते हैं। कुमकुम अब संगीत को साधना के रूप में लेकर एक गायिका बनना चाहती हैं, लेकिन एक छोटे गांव से आने वाली कुमकुम ये सोचकर उदास हो जाती हैं कि उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो कैसे उसे संगीत की शिक्षा मिल पाएगी। मैं भी हूँ तू भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जामने, मुसलसल नजर तरसती रहे, बरसते हैं हम भीगे बरसात में, एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। कल तो लखमों जो मेरे ख्यालों में थे रुवारू उनका ना गजब हो गया। कुमकुम गांव के ही विद्यालय में 7वीं क्लास की छात्रा है और पढ़ाई के साथ साथ संगीत का भी रियाज करती है। कुमकुम के पिता सुनील यादव ट्रक चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनका कहना है कि उनकी इच्छा है कि उसकी बेटी एक सिंगर बने, लेकिन वो अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर लाचार और बेबस हैं। कुमकुम को एक ऐसे फरिश्ते की दरकार है जो उसके सपनों को पूरा कर सके। कुमकुम ऊंची उड़ान भरना चाहती है, आसमान भी खुला है, लेकिन उसे तलाश है एक मौके की। जमुई से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।